हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ऑल अराउंड। आज मैं बात करूंगी आप लोगों से नेल केयर के बारे में। मेरा नेल केयर रूटीन बहुत ही सिंपल है। मुझे लंबे नाखून पसंद है तो मुझे उनको मेंटेन भी करना पड़ता है एंड उसके लिए मैंने बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं बना रखा। सच बताऊँ तो मैं स्टेप्स भूल जाती हूँ, मैं स्पेयर नहीं कर पाती हूँ टाइम। पता है कि करना है बट नहीं कर पाती हूँ, तो थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ मैं। इसलिए मैंने अपने पूरे नेल केयर के रूटीन को बहुत छोटा रख रखा है कि मैं कभी भी बैठे बैठे 5 मिनट स्पेयर की और मैं कर सकती हूँ। इस नेल केयर रूटीन के लिए बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, कहना चाहिए सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करती हूँ और यहीं पे मेरा नेल केयर रूटीन समाप्त हो जाता है। शुरू करती हूँ वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत ज़्यादा लेंथ मेंटेन नहीं करती हूँ, बहुत मिनिमम लेंथ रहती है जो मेरे नाखूनों को लंबा भी दिखाए, बिकॉज मेरे ओरिजिनल नेल्स छोटे हैं। जिनके ओरिजिनल नेल्स मींस जो नॉर्मल नेल्स हैं उनका साइज बड़ा होता है, वो थोड़ा भी बड़ा करते हैं तो चलता है, बट आई हैव टू मिनिमम यू नो ग्रो द नेल्स टिल दिस लेंथ, तभी वो बड़े दिखाई देते हैं, अदरवाइज वो बड़े नहीं दिखाई देंगे बिकॉज मेरे ओरिजिनल नेल्स बहुत छोटे हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड लेंथ जो मुझे पसंद है वो मैं मेंटेन करती हूँ। बहुत ज़्यादा लंबे होने पे मैं उन्हें ट्रिम करती हूँ। अपने बालों को ट्रिम करते रहते हैं तो वो जल्दी बढ़ते हैं, इसी तरीके से अगर आप अपने नेल्स को ट्रिम करते रहेंगे तो वो जल्दी बढ़ेंगे। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड इज आई ऑलवेज सिट एंड पुश माई क्यूटिकल्स बैक। क्यूटिकल पुशर आता है मार्केट में, आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे पास वो नहीं है। तो वट आई डू इज विद द थंब नेल आई पुश ऑल द क्यूटिकल्स बैक। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं, बहुत ही जेंटली मैं इन क्यूटिकल्स को पीछे पुश कर देती हूँ। विद ऑल द नेल्स आई फॉलो द सेम प्रोसीजर लाइक सो। इससे क्या होता है कि हमारे नेल्स के ऊपर डेड स्किन नहीं जमती है एंड देन इट टेंड टू ग्रो फास्टर लाइक। नाउ आफ्टर पुशिंग द क्यूटिकल्स बैक, माई नेक्स्ट स्टेप आई यूज ऑयल to massage my cuticles. It's actually a cuticle oil from VLCC. It's enriched with mira and almond oil. मैंने भी क्योंकि ये कभी try नहीं किया था तो I thought of giving a try. And then बहुत ज़रा सा लगता है ये and I have experienced wonders with this. जब से try करना शुरू किया है oil, मेरे nails टूटे नहीं हैं touch wood. I think that this is probably the magic of this oil. You can use any oil but the massage is important. Again, the reason is simple, that we need to you know provide the blood circulation to it. Hamein blood circulation provide karna hai. Bahut thoda sa lagta hai because ek nozzle hai and hame sirf aise ek ek drop on each finger drop karni hai. Bahut fast absorbing oil hai ye, like this. And then gently massage. बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट आप अपने दिन में स्पेयर करें, जस्ट push the cuticles back and then massage it. I don't use too many of nail paints. मैं नेल पेंट्स बहुत ही रेयर लगाती हूँ। किसी भी ऑयल से आप मसाज कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव एनी क्यूटिकल ऑयल विच इज स्पेशली मेंट फॉर दिस तो इट विल वर्क wonders. तो हम बस ऐसे 5 मिनट सिर्फ मसाज करेंगे एंड देन व्हाट आई डू इज आई रेस्ट माय फिंगर्स ऑन दिस पाम एंड देन थोड़ा सा प्रेशर लगाकर आई मसाज, ताकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन और तेज हो जाए। रिपीट द सेम ऑन द अदर हैंड एंड सी द ऑयल इज एब्जॉर्ब्ड एंड द नेल्स आर नॉट ग्रीसी। बहुत ही माइल्ड, बहुत ही अच्छा एंड इट हैज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। सो आप ट्राई कर सकते हैं ये। दिस इज़ फ्रॉम VLCC। आई डोंट नो हाउ मच इट रिटेल फॉर, आई विल चेक दैट एंड लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू वॉन्ट मी टू यू नो मैंशन द डायरेक्ट लिंक टू बाय दिस, आई विल ट्राई एंड फाइंड इट आउट दैट इज़ वेल। प्लीज़ कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस। ओके, आई हैव दिस बफर सेट which comes with 3 sticks like this and kabhi kabhi main inko bhi use karti hu, which is a little manicure sort of thing. Mera thoda purana ho gaya but it is very common, you can commonly find in any market you want. To isme 3 steps hote hain. One is the cleaning. So what I do is I rub my nails like this
इट क्लीन्स द नेल्स, ये ऐसे इसको हटा देता है एंड बहुत ही स्मूथ कर देता है. द नेक्स्ट स्टेप इज कंडीशन, हमें सेम ऐसे ही रख करना है एंड दिस कंडीशंस योर नेल्स. And I'll show you the magic of the third one, and you will evident in the video right now. See, this is how my nail looks like right now after conditioning. And third step is shine. Now this will add instant shine to my nails. Look at this. And that is the reason I like my nails like this. You can see, very well see the difference. So this works wonders. बहुत अच्छा काम करता है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट. बहुत सारे ब्रांड्स में भी आता है, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप उसमें ये बाय कर सकते हैं. अगर आप नेल पेंट लवर नहीं है, जैसे मैं नेल पेंट लवर नहीं हूँ, तो आप अपने नेल्स को इनके साथ वफ़ा कर सकते हैं एंड एक अच्छा सा शाइन ग्लॉस आपके नेल्स पे आ जाता है. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई ऑलवेज कीप इन माइंड इज व्हेनेवर यू अप्लाई अ नेल पेंट और अ नेल इनामिल, रिमूव करने की बारी आए तो ऑलवेज यूज एनी नेल पेंट रिमूवर विच इज एसीटोन फ्री. Acetone is a product which is not very good for your nails. Generally, अगर आप देखते होंगे और अगर आपके nail paint remover में acetone होगा तो वो आपके आसपास की skin को dry कर देगा, white कर देगा and आपके nails में से सारा moisture निकाल देगा, which again makes your nail fragile, very weak and वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं. तो इसी वजह से acetone free nail पेंट रिमूवर लेना चाहिए. आजकल ऐसे नेल पेंट रिमूवर पैड्स बहुत सारे आ गए हैं, विच इज लाइक दिस. आई विल शो यू वन. ये बहुत थिन सी एक लेयर ऑफ टिश्यू होती है, जो जिसमें वो प्रोडक्ट है जो आपके नेल पॉलिश को रिमूव कर देगा, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म और टेक अवे एनी मॉइस्चर फ्रॉम योर नेल्स एंड योर नेल्स विल नॉट बी ड्राई. I have one from LA Colors nail polish remover and it is in strawberry scent. So this I bought it from States, but India mein bhi aajkal bahut sare aise nail paint remover pads aane lag gaye hain, so you can use any or buy or invest in any of these brands which offer you the nail paint remover pads, but just make sure it doesn't have acetone in it. So this was all for this video guys. Do take care of your nail and just spare a minute for yourself and your hands in a day if you are a long nail lover like me. So I shall see you in my next one. Till then, do not forget to like, share, comment and subscribe to the channel. Bye.